रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाए। और जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th जमात साइंस ब्रिज कोर्स का 14 अमली खाका। आइए समझें दवाओं का इस्तेमाल और तर्ज ज़िंदगी। हवाला दर्ज हश्तुम की दर्सी किताब सबक नंबर 2 सेहत और अमराज। मतवक्कई सलाहियतें खसूसियात साख्त और अफ़ाल की मदद से नुकसानदेह कूर्दबीनी जानदारों के असरात से मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। दवाओं के बेजा इस्तेमाल से जिस्म पर होने वाले मुज़र असरात से वाकिफ़ होते हैं। आइए जहन नशीन करें दवाओं का बेजा इस्तेमाल। बाज़ औक़ात कुछ लोग अक्सर डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवा इस्तेमाल करते हैं। उनके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे जिस्म पर बुरे असरात होते हैं, जैसा कि ज़्यादा मकदार या बार बार दाफ़े दर्द यानी पेन किलर के इस्तेमाल से अजबी निज़ाम इखराजी निज़ाम और जिगर पर मुज़र असर पड़ता है। यानी बिना डॉक्टर का को दिखाए ही लोग मेडिकल पर जाकर अपने हिसाब से पेन किलर्स वगैरह ले लेते हैं। इससे जिगर पर अजबी निज़ाम पर इखराजी निज़ाम पर बुरा असर पड़ता है। ज़िद हयातिया यानी एंटीबायोटिक्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से मतली पेट दर्द पतले जुलाब जिस्म पर फुंसियाँ जबान पर सफ़ेद धब्बे वगैरह हो सकते हैं। जेनेरिक अदविया जेनेरिक मेडिसिन जेनेरिक दवाओं को आम दवाएं भी कहते हैं। इन दवाओं की तैयारी और तकसीम किसी पेटेंट के बगैर की जाती है। ये दवाएं ब्रांडेड दवाओं की हम पल्ला और उसी मैार की होती हैं। जेनेरिक अद्वियात की तैयारी में दवाओं में अज्जा का तनासुब या उन दवाओं की तैयारी का फार्मूला दस्तयाब होने की वजह से तहकीक पर होने वाले अखराजात में बचत होती है, जिसकी वजह से जेनेरिक दवाओं की कीमत ब्रांडेड अद्विया की बनिस्बत बहुत कम होती है। तर्ज़ ज़िंदगी और अमराज बदलते तर्ज ज़िंदगी की वजह से बीमार होने के इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसे रोकने के लिए मुनासिब तर्ज ज़िंदगी को इख्तियार करना नहायत ज़रूरी है। इसके लिए मुनासिब नींद सही ग़िज़ा मुराकबा और वर्जिश करना ज़रूरी है। इसी तरह वही वर्जिश करना चाहिए जो आपके जिस्म को बर्दाश्त हो। टीका अंदाजी वैक्सीनेशन अमराज से तहफ़ुज़ के लिए टीका लगवाना बेहद ज़रूरी है। अब आइए मशक करें ज़ील के सवालात के जवाबात लिखिए। आपको मालूम गैर मुतादी अमराज के नाम लिखिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या आपको जो मालूम है वो भी लिखिए। ज़्यादतीस यानी डायबिटीज़ अमराज कल्ब हार्ट अटैक सरतान कैंसर की बीमारी है बीपी ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा सवाल है करीब की दवाओं की दुकान पर जाकर चंद जेनेरिक दवाओं के नाम हासिल कीजिए। तो जेनेरिक दवाएं सस्ती भी रहती हैं और आप मेडिकल में जाकर इन दवाओं के नाम पूछिए और लिखिए। यहाँ मैं कुछ नाम दे रही हूँ एमलिब 80 पहला नाम, दूसरा एसिमिज 100, तीसरा रोसू बेस्ट, चौथा रोज सेल। तो इस तरह से ये दवाएं हैं जो कुछ दर्द की दवाएं हैं कुछ इसी टाइप की दवाएं हैं। अब अगला सवाल है इंटरनेट की मदद से कैंसर पर जदीद तशखीस और इलाज से मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए। तो इंटरनेट पर जाइए और मालूमात हासिल कीजिए। यहाँ पर भी कुछ इसके बारे में दिया हुआ है। कैंसर की तशखीस के लिए टिश्यू डायग्नोसिस सीटी स्कैन एमआरआई स्कैन मेमोग्राफी बायोप्सी वगैरह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इलाज के लिए कीमोथेरेपी रेडिएशन चुआपाशी सर्जरी जुर्राही जैसे राइज तरीकों के अलावा रोबोटिक सर्जरी लैप्रोस्पिक सर्जरी ऐसे तरीका इलाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला सवाल है वबाई मर्ज कोरोना से बचाव के लिए आप कौन से एहतियाती इकदाम कर रहे हैं लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कोरोना से बचाव के लिए हम भीड़ वाली जगह पर नहीं जा रहे हैं, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं और वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। इस तरह से आप और भी अपने हिसाब से इसमें जवाबात आराम से लिख सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए यहाँ लिंक दिया हुआ, आप इस पर जाकर 8वीं जमात का जो सबक है वो पढ़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।